What's up guys, my name is Parul and you are watching Parul TV. और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कंपैरिजन बिटवीन मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो। अगर आप ईस्टर्न कनाडा आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज ए पीआर और आप डिसाइड कर रहे हैं कि भी कहाँ जाऊँ या कहाँ ना जाऊँ, आज की वीडियो हो सकती है जी आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल, क्योंकि इसमें मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ दोनों सिटीज़ को ऑन सो मेनी मेट्रिक्स। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भी हमने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो भाई आंसर बड़ा सिंपल है, वो है टोरंटो, क्योंकि वहाँ पर आवरली वेज है वो भी ज़्यादा है, लेकिन अगेन इट कम्स एट अ कॉस्ट। और वो कॉस्ट ये है कि वहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है, जो लिविंग एक्सपेंसिज हैं, वो मॉन्ट्रियल से कहीं ज़्यादा है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है, मैं सोचता हूँ पर्सनल यू नो चॉइसेस के ऊपर। अगर मॉन्ट्रियल आ रहे हो तो ये थोड़ा सा यूरोपियन सा है, थोड़ा सा यू नो पुराना ओल्ड सा सिटी है, काफी पुराना है। टोरंटो से तो करीब 150 इयर्स ओल्ड है, और टोरंटो अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा मेट्रो सिटी आ जाता है, जैसे बड़े शहर होते हैं ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे बड़े ज्यादा पॉपुलेशन। अब हर किसी का यू नो पर्सनल लाइफस्टाइल होता है, आप देखो कि कौन सा सिटी आपके लिए बेटर है और चूज कर लो और पहुंच जाओ जी कनाडा। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है जी, वो आ जाता है लैंग्वेज का। मॉन्ट्रियल में बोली जाती है जी फ्रेंच और टोरंटो में बोली जाती है इंग्लिश। अब मॉन्ट्रियल में फ्रेंच भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोली जाती है, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन अगर आप बात करें ऑन्टेरियो वाली साइड की, टोरंटो वाली साइड पर, वहां पर तो जी चलती ही इंग्लिश है। अब तो पंजाबी में भी साइन बोर्ड्स लग चुके हैं और पंजाबी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। वहां पर इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मॉन्ट्रियल, इसलिए फिर टोरंटो वाली साइड जो अपने देसी लोग हैं वो ज्यादा जाते हैं। अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपने ऐसी जगह पर जाना जहां पर आप कुछ यूरोपियन, कुछ फ्रेंच, यू नो कुछ फॉरेन स्टाइल वाली फीलिंग लेना चाहते हो, फिर आप आ जाओ जी मॉन्ट्रियल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओल्ड सिटी या यूरोपियन स्टाइल, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश या पंजाबी या हिंदी या थोड़ा सा यू नो होमली फील करना चाहते हैं, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टोरंटो वाली साइड पर जाओ, क्योंकि वहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। मॉन्ट्रियल के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी फ्रेंच में प्रोवाइड की जाती हैं, और प्राइमरीली वो फ्रेंच ही बोलते हैं। अगर आप कॉल करोगे, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे या कोई भी सर्विस ले रहे हो अगर आप गवर्नमेंट की, तो वो फ्रेंच में दी जाएगी। इंग्लिश में आपको उनसे ज़बरदस्ती करके बुलवाना पड़ेगा कि भी हमें फ्रेंच नहीं आती, इंग्लिश बोलो। वेयर एज इन टोरंटो everything English, so life is a little bit easier for people who are not, you know, motivated enough to learn a language. अगली चीज आ जाती है जी वेदर। अब वेदर की अगर बात करें तो टोरंटो के अंदर, माउंट्रियल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ ये है कि समर के अंदर जो टोरंटो है वो थोड़ा सा वार्म ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल, वेयर इन मॉन्ट्रियल विंटर में ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो ठंड का तो इतना रौला है नहीं। जो बंदा कनाडा आता है, हम लोगों ने गर्मी तो सही होती है इंडिया में, तो ठंड का कोई इतना चक्कर नहीं है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर, बट हाँ मॉन्ट्रियल की जो विंटर्स है वो थोड़ी सी हार्श होती हैं। देखिए दोस्तों, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो टोरंटो इज इनसेनली एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू मॉन्ट्रियल, लाइफस्टाइल में भी और बेसिक एक्सपेंसेस में भी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम रेंट की बात ही करें तो रेंट का तो कई बार डबल डबल का फर्क पड़ जाता है। मॉन्ट्रियल के अंदर यू आर गोइंग टू पे इन डाउनटाउन, अगर हम सिटी की बात करें, $1,300 फॉर अ वन बेडरूम अपार्टमेंट, अ नाइस वन। एंड इफ यू कंपेयर इट विद टोरंटो, यू आर गोइंग टू पे अराउंड $2,200 फॉर द सेम साइज अपार्टमेंट। अगर आप शहर से बाहर आ जाते हैं मॉन्ट्रियल में, डाउनटाउन में नहीं रहते, यू विल बी पेइंग अराउंड $900 पर मंथ फॉर अ वन बेडरूम अपार्टमेंट। एंड द सेम इफ यू टेक इट इन टोरंटो, शहर से बाहर यू विल बी पेइंग अराउंड $1,700 पर मंथ। अगली चीज जो आ जाती है वो आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं जी, मंथली पास अगर आप बनाते हैं, अगर आप मंथली ट्रांसपोर्ट पास यूज करते हैं, तो मॉन्ट्रियल के अंदर आप पे करेंगे अराउंड $86 यहाँ पर मंथ, जिसमें कि आप पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, बसेस, मेट्रो। और अगर हम बात करें टोरंटो की, तो वहां पर यू विल पे ऑलमोस्ट डबल, अराउंड $150। और जो लोग टोरंटो शहर में नहीं रहते, थोड़ा साइड में रहते हैं, उनको वो साइड वाले शहरों के भी पैसे ऐड अप करने पड़ेंगे, तो मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपका वो काफी बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन वाली साइड से ही। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है, तो कार इंश्योरेंस की अगर बात करी जाए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गाड़ी जो कि होंडा सिविक या यू नो रेगुलर सेडान कार है मॉन्ट्रियल में रख रहे हैं, आप उसकी इंश्योरेंस दे रहे हैं अगर $80-$90 पर मंथ, ठीक है जी,
यही सेम इंश्योरेंस आपको टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा वाली साइट के ऊपर कॉस्ट करेगी ऑलमोस्ट 4 to 5 times। तो आप ये लगा लो कि गाड़ी जो है वो आपकी फ्री हो जाती है अगर आप मॉन्ट्रियल में रह रहे हो, क्योंकि उतने पैसे तो आप सिर्फ इंश्योरेंस के ही देंगे दूसरे सिटी में अगर आप रह रहे हो ओंटेरियो वाली साइड पे। ये बहुत ही बड़ा इंसेनली बिग डिफरेंस है जी। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो उस मामले में मैं कहूँगा कि आप मॉन्ट्रियल आ जाओ, ताकि आप गाड़ी लग्जरी ले लो और इंश्योरेंस आप वही दोगे 80, 90, 100। और इफ़ कंपेयर टू टोरंटो, वहां पर यू विल बी पेइंग $400, $500 or $600 पर मंथ जस्ट फॉर द इंश्योरेंस। और ये मैं वो बता रहा हूं जिसमें आपका भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिंपल प्रोफाइल है। अगर आप गलती से गाड़ी को लगा देते हो तो और भी पैसे बढ़ जाएंगे। अगर तो हम बात करें जी किंडरगार्टन एक्सपेंसेस की, कि अगर आपका छोटा बेबी है और हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या फिर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, कल को आपके भी बेबीज होंगे, तो टोरंटो के अंदर यू विल बी पेइंग अराउंड $1,722 पर मंथ जस्ट फॉर द प्राइवेट किंडरगार्टन, और मॉन्ट्रियल में यू विल बी पेइंग अराउंड $669। ये बहुत बड़ा फर्क है जी। और देखा जाए अगर क्यूबेक की बात की जाए तो भाई सबसे सस्ता, अगर हम बात करें कनाडा के अंदर या फिर नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, सबसे सस्ता किंडरगार्टन जो स्टूडेंट्स का है, किड्स का है सॉरी, वो यहाँ पर मॉन्ट्रियल के अंदर ही है। क्यूबेक के अंदर जितने भी शहर है वहाँ पर है। ओंटेरियो के अंदर आप देख लो 1,700 versus 669, तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगली हम बात करते हैं जिम प्राइसेस की, जिम के कॉस्ट की। अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड बढ़िया वाले जिम की, मैं सबसे चीपेस्ट जिम की बात नहीं करूंगा, तो मॉन्ट्रियल के अंदर यू विल बी पेइंग नॉट मोर देन $30 or $34 पर मंथ, बट एज कंपेयर टू टोरंटो यू आर गोइंग टू पे अराउंड $55 to $60 पर मंथ फॉर यू नो लैविश अ नाइस जिम। तो अगर आप जिम के भी शौकीन है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखो कि मॉन्ट्रियल के अंदर जो जिम है बड़े सस्ते हैं। कई जिम तो $12, $13 पर मंथ के ऊपर भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जिम वाला जो सिस्टम है, स्पोर्ट्स वाले अगर बच्चे आ रहे हैं तो अगर उनको एक्टिविटीज करनी है, टेनिस खेलना है या कुछ भी बुक करना है, तो भाई जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स वाली फैसिलिटीज हैं वो काफ़ी चीप हैं एज कम्पेयर टू ओंटेरियो। अगर हम बात करें जी घर की, प्रॉपर्टी की वैल्यू की, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू टोरंटो में काफ़ी महंगी है, तो एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल। लाइक इन टोरंटो यू विल बी पेइंग अराउंड $800,000-$900,000 या फिर $1,000,000 फॉर एन ओल्ड हाउस, जो कि किसी के साथ आपकी सांझी कंध होएगी, पंजाबी जी कहते हैं। इंडिपेंडेंट घर तो होर महंगे हो जाते हैं, बट इफ़ यू कंपेयर इट टू द मॉन्ट्रियल, अगर आप मॉन्ट्रियल में वही घर ले रहे हैं तो आप अराउंड $500,000-$600,000 में घर खरीद सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। और अगर आप गलती से यहाँ पे $1,000,000 खर्च देंगे, जो कि टोरंटो में खर्च के आपको एक नॉर्मल सा घर मिलता है, तो यहाँ पर वो घर के बाहर वो शेर भी लगा देते हैं जिनके मुंह से पानी निकलता है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा किंग साइज जी सकते हैं, काफ़ी खुला खुला आप कह सकते हैं। देखिए जब बात करेंगे सेफ्टी की, तो दोनों शहरों में सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए क्या डिफरेंसेस है, तो अगर मैं नेशनल क्राइम इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मॉन्ट्रियल आ जाता है जी अराउंड 26% के ऊपर, विच इज इनसेनली लो, एंड टोरंटो आ जाता है जी अराउंड 46% के ऊपर, विच इज अ लिटिल बिट मॉडरेट। तो देर इज लेस चांस इन मॉन्ट्रियल फॉर यू टू गेट मग्ड और रॉब्ड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि गाड़ी चोरी हो जाना, या आपकी गाड़ी में से सामान निकल जाना, या आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, या आपको कोई लूट ले, या घर में आपके चोरी हो जाए, तो उस मामले में मॉन्ट्रियल को जो पॉइंट्स है जी वो दिए गए हैं अराउंड 26%। अगर हम बात करें जी सेफली वॉकिंग की, रात को अगर आप रात को 2 बजे घूम रहे हैं, तो क्राइम इंडेक्स के हिसाब से, नेशनल सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब से जी मॉन्ट्रियल के इन्होंने दिए हैं जी अराउंड 90%, विच इज वेरी हाई, इनसेनली हाई, और टोरंटो के दिए हैं जी अराउंड 77%। तो 77% इंडेक्स भी आप कह लो जी हाई होता है। तो दोनों शहरों में जहां मर्जी चले जाओ सेफ्टी आपको पूरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं जी कल्चर के हिसाब से। अगर हम कल्चर की बात करें, जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है, अगर आप बात करें टोरंटो की, तो टोरंटो आ जाता है जी थोड़ा सा मॉडर्न सिटी, इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जो कि कनाडा में बॉर्न नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। और तीसरी चीज़ जो ये आ जाती है वो ये है कि वहाँ पर इंडियन साउथ एशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल। अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल के अंदर आपको मिलेगा जी, आपको पता है ये फ्रेंच टाउन है, यूरोपियन सिटी है, तो यहाँ पर जो वाइब है वो थोड़ी सी हटके है। यहाँ पर आपको यूरोपियन पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगी, टोरंटो में आपको हाई स्काई स्क्रैपर्स, मॉडर्न एकदम लंबे लंबे टावर, जैसे CN टावर है हमारा,
वैसे की बिल्डिंग्स दिखेंगी, वेयर एज इन मॉन्ट्रियल ओल्ड सिटी, सारी पुरानी पुरानी दुकानें, पुराने पुराने कैफे, तो यूरोपियन स्टाइल आपको फील आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हो। तो यहाँ की जो वाइब है जी, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आ जाता है क्योंकि हमारे इंडियन जो लोग हैं, पंजाबी या फिर गुजराती, जितनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी टोरंटो में है, उसका तो कुछ परसेंट भी मॉन्ट्रियल में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ग्रॉसरी की जो शॉप्स हैं वो भी ज़्यादा है। आपको यू नो जो आपका देसी फूड है, जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल। तो फिर जो ऑथेंटिक टेस्ट आप बात करें अगर हम इंडिया के खाने के स्वाद की, वो भी आपको उस साइड के ऊपर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी इटालियन ज़्यादा, फ्रेंच ज़्यादा, क्यूबेक की पुटीन, तो थोड़ा सा आप कह लो कि भी जो गोरों वाला सामान होता है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू इंडियन फूड। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट मॉन्ट्रियल वर्सेस टोरंटो। बाकी जी यही थी वीडियो, कंपैरिजन मैंने कर दिया, पीआर की ज्यादा मैंने बात नहीं करी। इस बार मैंने लिविंग फैक्टर्स को थोड़ा सा कंसीडर किया क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सिटी को कंपेयर करूं विद मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वट एवर, ए वर्सेज बी, बी वर्सेज सी, जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो को शेयर जरूर करो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, वहां पर जरूर फॉलो कर लेना, मैं लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह वहां पर शेयर करता रहता हूं। और अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं 1-on-1 ऑन जूम, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर लो और कैलेंडर कर लो जी बुक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन उसके ऊपर क्लिक करके बेल बटन पर क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फोन पर। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग, टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।